मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे पास आ गया बोया का माइक और आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगा। मैंने देखिए अभी तक इसको बिल्कुल भी नहीं खोला है, आपके सामने नजर आ रहा है सीट पैक है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने व्यूवर जो है मेरे जो देखने वाले उनके सामने ही इसको खोल कर ओपन करके देखना चाहिए। तो दोस्तों कैसी है इसकी अनबॉक्सिंग, किस तरह का रिव्यू है, क्या इसकी क्वालिटी है, वॉइस की और सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलिए शुरू कर, चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ। काफी इसकी अच्छी पैकिंग दी गई है, तो ये देखिए आप जब भी खरीदे ये हॉलमार्क भी जरूर देख ले। देखिए बोया का लिखा हुआ है, बोया का हॉलमार्क, इसी पे आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें दिखा देता है कि किस तरह से इसके फीचर्स है, फॉर स्मार्टफोन, कैमरा रिकॉर्डर, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, PC एक्स्ट्रा में ये यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसके फीचर्स नज़र आ रहे हैं, ये सब यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए जब आपको मिलेगा आप इसको पढ़ सकते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन है, बाकी इसका लोगो है कंपनी का, इसको भी आप QR कोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है ये, इसकी थोड़ी पिक यहाँ पर नज़र आ रही है, ये देखिए इस तरह से माइक अंदर से निकलने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा इसका बॉक्स है, हम इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए ये थोड़ा खुला हुआ निकला है, हो सकता है किसने इसको रिटर्न किया हो, खैर कोई नहीं, हम तो इसको यूज करके देखेंगे, अगर हमें इसको गलत लगता है तो हम भी इसको रिटर्न कर देंगे। काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी, ये देखिए ये ओपन किया और ये देखिए ये इस तरह से निकल गया है, ये बैग निकला है और ये खाली है, इसको फिलहाल साइड रख देंगे। ये देखिएगा ये इसके बारे में लिखा है किस तरह इसको याद इसको यूज करना है, इसको साइड कर देंगे। ये इसकी मैनुअल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत आती है। बाकी इसका ये बैग दिया गया है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, देखिए इसकी बेस्ट क्वालिटी है। जब भी आप इसको यूज करें इसमें रख कर और इसको आप ऊपर से ऐसे बंद कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। बाकी मेरे साथ थोड़ा छोटा दिया गया है, जिस हिसाब से इसका सामान है, इसकी लेंथ है 20 फुट की बताई जा रही है, उसके हिसाब से थोड़ा छोटा है, लेकिन अदरवाइज और के हिसाब से देखा जाए तो क्वालिटी बेस्ट है। अब हम देख लेते हैं, ये है हमारा माइक, देखिएगा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बोया माइक, ये इस तरह से माइक होता है, ये इसकी लेंथ है और ये देखिएगा इसका पीतल का ब्रास का 3.5 mm का जैक है जो हर स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है। और ये है हमारा एक छोटा सा माइक, ठीक है फ्रेंड। साथ में दी गई है एक बैटरी जिसको हमने अभी जो है इसके अंदर इसको लगाना है, और बाकी ये एक पॉलीथीन में छोटा सा ले गया, मैं इसको खोल के ओपन कर देता इसमें क्या क्या है। ये दिया गया है ताकि इसको थोड़ी खराबी ना हो जब ये हमारा डिलीवरी में चलकर आता है, तो इसलिए इसको रखा जाता है, कोई इसमें खराबी ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसको थोड़ा साइड करेंगे। साथ में दिया गया है एक जैक, इसको आप यूज कर सकते हैं अदरवाइज किसी चीज़ में यूज करने के लिए कहा जाए, जैसे DJ वगैरह या और कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसमें आप यूज कर सकते हैं। ये होती 3.5 mm की जैक, आपने सिंपली इसको इसमें लगाना होता है और ये यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको अलग करेंगे। इसके बाद देखिए ये दिया जाता है हमें, ये छोटा सा माइक है इसके ऊपर लगाने के लिए, मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी दिखाई गई है और है भी, ये देखिए कितना स्मूथ और कितना प्यारा नज़र आ रहा है। फिर साथ में दिया जाता है एक क्लिप, इस क्लिप को आपने अपने कॉलर अपने शर्ट में लगाना है। फिलहाल इसको यहाँ पर हम इसको ऐसे करके कुछ अटैच कर देंगे, ये देखिए ऐसे अटैच हो जाएगा, इसके बाद आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये इसके बाद की जो है वो है, और इसको देखिए ये जो लेंथ दी गई है ये है 20 फुट। जी हाँ 20 फुट बहुत काफ़ी होती है फ्रेंड, ये मान लीजिए अपने घर पे लगाई है 20 फुट की,
कैमरा रिकॉर्ड करें, दूसरे पड़ोस में जाकर आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब फिलहाल के लिए मैं इसमें सेल डालने वाला हूँ। ये बैटरी जो दी गई है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। काफ़ी अच्छी पैकिंग दी गई है। तो ये हमारी बैटरी निकल के आ गई सामने। अब हम यहाँ से इसको करेंगे ओपन। सिंपली इसको हमको ऐसे घुमाना है। ये देखिए, ये घूमकर आ गई। इसको हमने करना है ऊपर की साइड, और यहाँ से अपनी बैटरी को हमने लेना है। इस बैटरी को हमने लेना है और इसको यहाँ पर सिंपली ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए, ये हमने लगाया। ये देखिए, रेड लाइट जली है। यहाँ पर जाए, अब देखिएगा फ्रेंड, ऊपर करेंगे तो कैमरेज का ओपन ऑप्शन आएगा। ऊपर करेंगे कैमरा होगा, और नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा आएगा स्मार्टफोन। यानी कि अगर जो आपको मोबाइल में यूज करना है तो आपको उसको नीचे करना होगा। कैमरे से यहाँ मतलब जो दिया गया है वो दिया गया है DSLR में। अगर आपको यूज करना है तो आप करेंगे ऊपर की साइड यूज, और अगर आपको करना है मोबाइल में यूज, कोई रिकॉर्डिंग करनी है या कैमरा, जिस तरह से मैं अपनी सामने भी वीडियो बना रहा हूँ सामने मोबाइल को रख कर ट्राइपॉड पे, तो आपको इसको नीचे सिंपली करना होगा। या रिकॉर्डिंग करने के, जैसे कोई डबिंग वीडियो बनाता है तो उसको भी यहाँ से नीचे के लिए करना होगा। और फाइनली इसको हम कर देते हैं पैक। ये इसको यहाँ से रख के इस तरह से आपने इसको बंद कर देना है। बड़ी नॉर्मल तरीके से बंद हो गया। देखिए, ये इस तरह से नॉर्मल तरीके से बंद हो गया है। 20 फुट की इसकी वायर है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर है इसकी, और काफ़ी बड़ी है मेरे हिसाब से। हमको इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं खैर, लेकिन टेक वीडियो बनाने के लिए ये वायर ज़रूरी है। और देखिए, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। जो वायर की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी दिखाई गई है। मैं आपको जो है अपना पहला वाला माइक दिखा देता हूँ। ये था मेरा पहला वाला माइक। इसकी क्वालिटी भी आप देख ही सकते हैं, इसमें कोई ऐसा खास नहीं ऑप्शन नहीं है, तो ये बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है ये। तो इसको हम फिलहाल सेट कर देते हैं, और चलिए मैं आपको इसकी क्वालिटी चेक करके बता देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, किस तरह से इसकी वीडियो क्वालिटी है, तो इसको कैसे हमने अपनी शर्ट में लगा के यूज करना है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल मैंने फाइनली लगा लिया है बोए का माइक अपने शर्ट के कॉलर वगैरह में। तो यहाँ से आप देखिए, आपको क्वालिटी जो है वो अलग ही देखने को मिल रही होगी। इसकी क्वालिटी अलग ही देखने को बनती है। ये अदरवाइज और जितने भी माइक होते हैं उनसे काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छा इसका प्राइस है, ऊपर नीचे होता रहता है। फिलहाल जो मैंने इसको मंगाया है 1036 रुपये में Paytm से। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कैसे आप परचेस कर सकते हैं। और अगर जो अमेजोन से आप लेना चाहेंगे तो वहाँ पर थोड़ा इसका कॉस्ट ऊपर ही दिखा रहा है, लेकिन जो आपको कंपेयर करके जो भी सेल है मंगवा सकते हैं। मेरी तरफ दोनों से ये कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया गया है कि कैसे आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है अपने डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक दिया है वीडियो का, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इससे पहले जो मैं माइक यूज करता था वो था ये देखिए, 1 मीटर करीब इसकी लेंथ है, और ये 200-250 रुपये मिल जाता है। कोई खास मुझे इसका रिजल्ट नहीं लगा। और साथ में मैंने सुना कि इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा ये जैक, जो 200-250 रुपये का माइक आता है उसके साथ में। मैंने इसको लगा कर देखा, लेकिन इससे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिला, तो ये भी मेरा पैसा वेस्ट गया फ्रेंड। तो मैं इसको भी करता हूँ साइड। लेकिन ये जो माइक आप देख रहे हैं, ये मुझे पड़ा 1036 रुपये का Paytm से, उसकी बेस्ट क्वालिटी है। आपके सामने साउंड नज़र आ रहा है, कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है, बिल्कुल लाइव आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, और इसकी क्वालिटी अपने आप ही देखने को बनती है फ्रेंड। और जो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड, जो इसमें ये बीच में जो एक माइक टाइप का दिया है, यही सबसे मेन चीज़ है जिसमें हमने बैटरी लगाई थी। इसको जो देखिए, ये चीज़ दी गई, क्लिप जो दिया गया है, इसको आपने लगाना अपने बेल्ट में। और दूसरी चीज़, अभी देखिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए बटन देखिए, मोबाइल में मैंने किया हुआ है नीचे की साइड। ये देखिए, अगर दिख रहा है आपको नीचे की साइड, अगर आपको DSLR कैमरा में यूज करना है तो आपको ऊपर करना होगा। फिलहाल जो मेरा मोबाइल है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो वीडियो V5 मोबाइल है मेरा। फिलहाल जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है V5 मोबाइल। आप इसको हर मोबाइल में, स्मार्टफोन कोई सा भी हो, उसमें ये सपोर्ट जरूर आराम से कर लेता है। बाई चांस नहीं करता है तो आपको करना होगा ओपन कैमरा की एप्लीकेशन डाउनलोड, उससे ही आपको वीडियो शूट करनी होगी। ये डबिंग जो वीडियो बनाते हैं, वॉइस उसमें रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छे माइक है ये। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा जो भी डबिंग वीडियो बनाते हैं या मैक जॉक टाइप की वीडियो बनाते हैं, वो इसी माइक को ले। हर किसी यूट्यूबर्स ने, बड़े से बड़े यूट्यूबर ने, हमारे टेक्निकल गुरु जी है YT एडवाइस जो है हमारे
माइक स्मार्ट सपोर्ट जो हमारे धर्मेंद्र जी सभी ने जो है इसी माइक को सजेस्ट किया है हर यूट्यूबर्स के लिए, जितने भी नए यूट्यूबर्स होते हैं बड़े यूट्यूबर्स सब यही सजेस्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप इसी माइक को लें, इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट इसकी क्वालिटी, इसकी वायर की क्वालिटी अच्छी है, 20 फुट की वायर दी गई है, काफ़ी दूर से आप मोबाइल को ट्राइपॉड पर लगा कर वीडियो शूट कर सकते हैं बड़े आराम से, और इसकी वॉइस की क्वालिटी आपको देखने को अलग ही मिलती है। इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियो बनाई बिना माइक के बनाई, जो माइक मैंने 250 खरीदा आपको दिखाया था, 1 मीटर की लेंथ थी इसकी, लेकिन कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं था इसलिए उसको मैंने हटा दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।